Easy cooking with Juhi। आज हम बनाएंगे पॉट राइस। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ मज़ेदार सा बनाने वाले हैं जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है और झट से बन जाता है। इसके लिए मैंने लिया है गाजर, मटर, थोड़े से ऑनियन, थोड़े से शिमला मिर्ची और फ्लावर और थोड़े से हरी मिर्ची। और यहाँ पर मैंने रखा है नमक, शक्कर एंड ब्लैक पेपर। फिर हमें चाहिए जो वो है उबला हुआ चावल। घर में तो हमारे चावल बनते ही हैं, या आप नॉर्मल राइस पे भी बना सकते हैं एंड बासमती राइस में भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है बासमती राइस में, और नॉर्मल राइस में भी आप बना सकते हैं। फिर इसको हमको फ्राई करना है। बहुत आसान है ये बनाना, एकदम जल्दी से बन जाता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आप यकीन मानिए, एक बार बना के खिलाइए, बच्चे आपको बार बार मांगेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम किया, इसमें 2 टीस्पून फुल ऑयल मैंने डाला है, रिफाइंड ऑयल डाला है। अभी इसमें मैं सारे वेजिटेबल्स डालूँगी फ्राई करने के लिए। ये जितना हमने वेजिटेबल रखा है वो फ्राई करने के लिए हम डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसके अंदर पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं, या फिर सोयाबीन डाल सकते हैं, बेबी कॉर्न डाल सकते हैं। आपके पास अगर हो तो आप ये सब भी डाल सकते हैं। या अभी मैंने ये सब, मेरे पास थोड़े से जो वेजिटेबल्स थे, मैं एकदम सिंपल सा इसको बना रही हूँ। आपके पास ये सब अगर अवेलेबल है तो आप इसमें डालिए, बहुत टेस्टी लगता है। फिर ये देखिए, इसको हमको फ्राई करना है। ये इतना जल्दी बनता है डिश और उतना ही खाने में टेस्टी है। ये देखिए, मैंने इसमें अभी सॉल्ट डाला है, शुगर डाला है और थोड़े से ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। देखिए, ये आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, कितना नमक, शक्कर, ब्लैक पेपर, तीखा, ये सब आपके स्वाद के अनुसार डालिए। अभी इसको हमें जो करना है, फ्राई करना है, इसको अच्छा करके फ्राई करना है। आप इसमें, जैसे मैंने बोला, पनीर डाल सकते हैं, सोयाबीन डाल सकते हैं, बेबी कॉर्न डाल सकते हैं, तो इसका स्वाद और भी निखर के आता है। बच्चे तो वेजिटेबल्स खाना पसंद ही नहीं करते हैं, आप ऐसा करके उनको खिलाइए तो वो ज़रूर खाएंगे। देखिए, उनको बहुत पसंद आएगा ये खाना, और इसमें मेहनत भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी से ये बन जाता है। कुछ खाने को मन नहीं है तो ये भी, ये देखे आप टेबल पर रखिए, वो भाग के आएंगे देखते ही। देखिए, इसमें अभी मैं जो डालूँगी वो है थोड़े से सॉस, एकदम कॉमन सॉस है ये। देखिए, इसमें मैंने सोयाबीन डाल रही हूँ, सोया सॉस डाल रही हूँ। सोया सॉस थोड़ा ज़्यादा लगता है, अच्छा लगता है इससे, सोया सॉस डालने से। सोया सॉस डाला है, अभी मैं इसके अंदर डालूँगी टोमेटो सॉस। 1 ही चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है टोमेटो सॉस हमें। और अभी मैं इसके अंदर जो डालने वाली हूँ वो है चिली सॉस। ये जो चिली सॉस, ये होममेड चिली सॉस है जो हमने बनाया था। ये वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप चाहे तो इसको देखिए। बहुत आसान है बनाना, घर पर आप बना सकते हैं, और एकदम बाजार का जैसा चिली सॉस बनता है, बहुत टेस्टी होता है। ये डाला है, अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते, कोई बात नहीं है। तो मैंने अभी, हमको इसको मिक्स कर देना है, अच्छा करके इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए, ये हमने इसको अच्छे करके मिक्स कर दिया। अभी इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हमारा फ्राई होके है, उसके अंदर हमको इसे डालना है, और इसका एक रस्सा बनाना है, ग्रेवी बनाना है। ये थोड़ा पानी मैंने डाला, थोड़ा ग्रेवी बढ़ाने के लिए, इसका ग्रेवी ऐसे बना देना है। इसको ग्रेवी को वो वेजिटेबल्स के साथ थोड़ा उबाल लेना है, ज़्यादा कुछ उबालना नहीं है क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स तो फ्राई होके है ऑलरेडी। इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको खाली बॉयल करना है। जैसे ही बॉयल हो जाए आप गैस बंद कर दीजिए। गैस बंद करके आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो हमने ग्रेवी बनाया है, वो ग्रेवी को आप एक बॉल लीजिए। अगर आप कांच का बॉल ले रहे हैं तो वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, नहीं तो आप दूसरा कोई बॉल भी ले सकते हैं, और वो राइस के ऊपर आप डाल दीजिए। बस हो गया, तैयार हो गया अपना पॉट राइस। देखिए, ये जो हमने ग्रेवी बनाया था, वो ग्रेवी एकदम धीरे 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 सोक कर जाता है राइस के अंदर, और जब भी ये बच्चे खाएंगे निकाल के तो बहुत ही टेस्टी आता है। देखिए, ये धीरे धीरे अंदर चला जाएगा जो ग्रेवी, और ये देखने भी बहुत सुंदर है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। ऐसे निकाल के जब बच्चे खाएंगे
तो उनको बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये आप खुद घर में बनाइए, खाइए, बच्चों को खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।